नमस्कार, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी के अपने कुकिंग चैनल भाभी रसोई में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, जिससे कि नया वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम आप सभी को बताएंगे तिल और मूंगफली से बनी हुई चिक्की। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने मूंगफली लिया है, जिसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे स्लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेंगे। अब हम तिल ले लेते हैं। तिल को भी स्लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, जब तक इसमें से एक अच्छी सौंधी खुशबू ना आने लगे। जब तिल भूनना शुरू होता है तो इसमें से एक अच्छी सी सौंधी खुशबू आती है। खुशबू आते ही समझिए कि ये अच्छे से भूनना शुरू हो चुका है। तिल अब हमारा बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। मूंगफली को हम अच्छे से हाथों से रब करते हुए इसके छिलकों को अलग कर लेंगे। मूंगफली से उसके छिलकों को बिल्कुल अच्छे से हटा लेते हैं और इसे 2 टुकड़ों में कर लेंगे। अब हम यहाँ पर भुना हुआ तिल ले लेंगे, इसे जार में डाल करके महीन पेस्ट के जैसा बना लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 100 ग्राम गुड़ डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम मूंगफली और उसके साथ 100 ग्राम गुड़ लिया है और 10 से 20 ग्राम हम यहाँ पर चीनी ले लेंगे, 20 ग्राम के लगभग। जैसे ही गुड़ इस स्थिति में आए, मेल्ट होने लगे, तो उसमें हम आधी कटोरी पानी डाल लेते हैं। पानी डालने से ये और अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसे हम स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से पकाएंगे और इसे चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना। अब हम इसमें सोल्ट डाल देंगे, बेकिंग सोडा और काली मिर्च। इन सभी को डालने के बाद हम अच्छे से इसे चला लेंगे। अब हम इसे पानी में डाल करके चेक कर लेंगे। अभी ये नहीं हुआ है, इसे हम बीच में 2 से 3 बार इसी तरह से चेक कर लेते हैं। गुड़ का पाक अभी हमारा तैयार नहीं हुआ है। अब हम इस पानी को चेंज कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हम फिर से इसे पानी में डाल करके चेक करेंगे कि ये हुआ है या नहीं। पहले हम इसे एक प्लेट में ले लेते हैं। इसे इस तरह से भी चेक किया जा सकता है, प्लेट में ले ले और इसे थोड़ी देर के लिए जमने दें और इसे पानी में डाल लेंगे। अभी अच्छे से खिंचाव आ रहा। अब ये गुड़ हमारा पाक बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब आप देख सकते हैं, जब इस तरीके से होने लग जाए तो आप समझिए कि गुड़ का पाक बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये भी अच्छे से हमारा बन रहा है, मतलब पाक अब बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद अब इसमें मूंगफली और तिल दोनों को डाल लेते हैं और डालने के बाद इसे अच्छे से चलाते हुए आपस में मिला लेते हैं। इसे मिलाते समय कढ़ाई गर्म रहती, इसलिए आप कपड़े से पकड़ करके अच्छे से मिला लें। अब हम एक प्लेट में बटर पेपर रख लेंगे और उस पर अच्छे से घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद अब हम इसे अच्छे से चारों तरफ फैला लेते हैं। तिल, मूंगफली और गुड़ तीनों ही हमारे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, इसलिए सर्दियों में हम इसे बना करके जरूर रखना चाहिए। तिल, गुड़ और मूंगफली से बनी इस चिक्की को बना करके महीनों तक स्टोर भी किया जा सकता है और इस स्वाद और सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। मीठे की जगह आप इसे खा सकते हैं और सर्दियों में इसे खाना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब हम इसे बर्फी के आकार में कट कर लेंगे। तो बन करके बिल्कुल तैयार है तिल, गुड़ और मूंगफली से बनी हुई चिक्की।
एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी? पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।